अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम आपके एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि पूछा था किसी ने कि अगर हस्बैंड धारा 9 लगाते हैं तो वो ले जाने के लिए लगा रहे हैं, फिर इसमें तलाक कैसे हो सकता है? जब धारा अलग है तो कोर्ट में अगर उसे तलाक चाहिए ही तो सीधे धारा 13 क्यों नहीं लगाते? क्या केस जीतने के लिए लड़के लोग धारा 9 लगाते हैं, ये बोल देते हैं कि लड़की आती नहीं है, इसकी ही गलती है? देखिए, इस क्वेश्चन का अगर हम आपको जवाब दें और हम अगर आपको साफ साफ इसके बारे में बताएं तो होता क्या है कि अगर कोई भी लड़का है, कोई केस चल रहा है और वो लगाता है, विदाई दावा करता है, वो जाहिर सी बात है कि आपको ले जाने के लिए ही कर रहा है। अगर उसे डिग्री मिल जाती है विदाई दावा में तो वो आपको ले जाएगा, लेकिन आप मना कर देती हैं किसी भी रीज़न के बिना। मतलब आपके पास सफिशियंट कारण इसका नहीं है कि आप क्यों नहीं जाना चाहती, लेकिन आप ये कह देती हैं कि आप नहीं जाएंगी, और या आप कारण भी उसमें बताती हैं। इसमें भी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब विदाई दावा हुआ, लड़के ने किया है, सेक्शन 9 का केस किया हुआ है, अब जो लड़की पक्ष है वो उसका जवाब नहीं दे रहा है, WS फाइल नहीं कर रहा है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। लड़के को मिल गई एक्स पार्टी डिग्री। लड़के ने पहले तो इस वजह से किया था कि वो अपनी पत्नी को अपने घर ले जाएगा, क्योंकि जो वाइफ है वो बातचीत करने के माध्यम से या फिर समझाने के, कई लोगों के समझाने के बाद भी वो आने को तैयार नहीं है, तो क्या एक मात्र रास्ता बचता है कि हम कोर्ट का ही सहारा लें। क्योंकि कोर्ट का सहारा हमें क्यों लेना है, हमें पता है कि आगे चल के पत्नी भी जो है वो कोर्ट में ही जाएगी, हमारे ऊपर केस करेगी, या हो सकता है कि अभी तक कर भी चुकी होगी। तो जो लड़का है उसने विदाई दावा कर दिया, विदाई दावा में लड़की नहीं जाती है, एक्स पार्टी डिग्री मिल जाती है लड़के को। अब एक्स पार्टी डिग्री मिल गई, इसके बाद भी लड़की नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि ये बताइए, अगर कोर्ट ने आदेश कर दिया तो क्या मैम हमें जाना पड़ेगा? तो ये भी कोई जरूरी नहीं है, कोर्ट ने तो आदेश कर दिया है कि आप जाइए, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई जबरदस्ती तो भेज नहीं सकता। दो लोगों का रिश्ता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको चलाना चाहते हैं या फिर उसे खत्म करना चाहते हैं। अब लड़की है नहीं जाना चाहती, लड़का है नहीं रखना चाहता, आपके पास कोर्ट है, कोर्ट के माध्यम से आप सारे लॉस का आप यूज कर सकते हैं या कर सकती हैं, लेकिन इसके बाद भी एट लास्ट अगर हम देखें तो वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जबरदस्ती ना हम आपको भेज सकते हैं, ना कोर्ट आपको भेज सकती है, और ना ही जबरदस्ती किसी से भी रिश्ता निभाया जा सकता है। तो आप नहीं गई वहां पे, अब पति समझ गया है कि आपको नहीं आना है, अब पति के पास ये एक सफिशियंट ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए, सेक्शन 13 फाइल करने के लिए सफिशियंट ग्राउंड है, क्योंकि उसकी लाख कोशिश के बावजूद भी पत्नी नहीं आ रही है, और पत्नी ने जो रीजन बताया, या तो रीजन बताया ही नहीं, एक्सपार्टी डिग्री मिल गई, या रीजन बताया मतलब WS फाइल किया, लेकिन वो रीजन सफिशियंट नहीं है, वो छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना करके नहीं जा रही है। हम ये मानने को भी तैयार है कि हमसे हो सकता है कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई हो, लेकिन अब हम अपनी वाइफ को बहुत अच्छे ढंग से रखेंगे, उसे पत्नी का दर्जा देंगे, लेकिन इसके बाद भी पत्नी जाने को तैयार नहीं हुई है। तो कोर्ट भी ये देख रही है कि सारी चीजें तो क्लियर है, पति अपने पक्ष, अपने साइड से हर काम करने को तैयार है, लेकिन उसके बाद भी पत्नी नहीं जा रही है, तो ये भी सफिशियंट ग्राउंड बन जाता है पति के पास डाइवोर्स फाइल करने के लिए, और उसे इस ग्राउंड पर डाइवोर्स मिल जाता है। अब आपने पूछा कि क्या वो ले नहीं जाना चाहते लेकिन फिर भी विदाई दावा किया है। आज के समय में ये भी ट्रेंड में आ गया है कि पति जो है वो ले नहीं जाना चाह रहा है लेकिन फिर भी उसने विदाई दावा किया है। तो अगर आपको पता है कि वो नहीं ले जाना चाह रहा है फिर भी उसने विदाई दावा किया है, तो आप चली जाइए। अगर आपको ये लगता है कि आपका पति आपको नहीं ले जाना चाह रहा है लेकिन कोर्ट में वो ये कहता है कि वो ले जाएगा, तो ठीक है, आपके लिए क्या दिक्कत है, आप चली जाइए। आपको अच्छे ढंग से रखे तो अच्छी ही बात है, अगर नहीं रख रहा है तो फिर आपके पास बहुत सारे ग्राउंड है, बहुत सारे आपके पास अधिकार हैं जिनका आप यूज कर सकती हैं, और उसके बाद फिर आप अपने अधिकारों की मांग और भी ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हैं। तो ये आपके पास एक ग्राउंड हो जाता है अपने अधिकारों को पाने के लिए। आप ये सोचकर मत बैठ जाइए कि वो जो पति है वो नहीं ले जाना चाहता फिर भी उसने विदाई दावा किया। अगर किया है तो किया है, आप जाना चाहती हैं आप चली जाइए, नहीं जाना चाहती हैं WS फाइल करिए। इस चीज को आप लोग जो अवॉइड कर देती हैं कि आपको ये लगता है कि ठीक है विदाई दावा किया हुआ है, करने दो, और हमें इस केस में अपियर नहीं होना है, ठीक है, आप आज मत होइए, आप एक साल बाद हो जाइए। अगर उस समय तक डिग्री नहीं मिली हुई है तो आप उसके बाद हो जाइए, उसमें जाकर के आप अपना WS फाइल करिए, कोर्ट को ये बात बताइए कि आप क्यों नहीं जाना चाहती, लेकिन सफिशियंट ग्राउंड होना चाहिए। अब होता क्या है कि 90% केसेस में आपको भी पता होता है कि आपका जो ग्राउंड है वो पर्याप्त ही नहीं है, सफिशियंट ही नहीं है, आप क्यों नहीं जाना चाहती ये आपको भी पता है,
बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पता होती हैं, आपने अगर कोई केस भी किया है तो वो क्यों किया है ये भी आपको पता है। जो रिश्ते होते हैं आपके बीच के वो बिल्कुल ही डगमगाते हुए रहते हैं, और वो इस तरीके के रिश्ते होते हैं कि वो आगे तक चल ही नहीं सकते। आपने जो मैरिज है वो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी दबाव में कर ली हो, अपने माता पिता के दबाव में की हो, बिना अपनी मर्जी के की हो, या आप जैसा सोच करके गई हैं वैसा आपको घर परिवार नहीं मिला। और मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि जो भी चीजें सोच करके आप जाती हैं तो वो चीजें आपको नहीं मिलती, तो इसके बाद फिर आपको लगता है कि ठीक है आपको छोड़ देना। वहां पे अगर आपके जो मायके वाले हैं वो आपका साथ दे देते हैं इस चीज में, तो आप तुरंत ही केस कर देती हैं, जिस केस का कोई भी ग्राउंड नहीं होता। आज के समय में बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जिनका कोई भी ग्राउंड नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी वो केस हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि अब आपको साथ रहना नहीं है, आपने जो सोचा वो आपको मिला नहीं, तो आप एडजस्ट करने वाला नेचर थोड़ा भी किसी का भी नहीं है, इस वजह से सारे केसेस हो जाते हैं। यहाँ पर आप ये नहीं सोचती हैं कि वो जो लड़का है वो कितने ज्यादा मेंटल प्रेशर में रह रहा है, उसकी जो फैमिली है वो कितना ज्यादा परेशान हो रही है, कि आपने आपको क्या करना है या मायके वालों को क्या करना है, केस कर देना। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि अगर आप समझदारी से उन चीजों को देखिए, आप किसी भी रिश्ते को समय दीजिए, तो वो समय जब दिया जाता है तो आपका रिश्ता बेहतर हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत यह है कि वो चीजें जो है वो दबाव में ना की गई हो। अगर दबाव में किसी की गई है तो वो तो टूटनी ही टूटनी है, वो सही ढंग से चल ही नहीं सकती है। तो विदाई दावा पति ने किया, पति ने क्यों किया, ये रीजन जानना जरूरी है। अगर पति ने इस वजह से किया है कि केवल वो डाइवोर्स की डिग्री ले ले, तो आप वहां पर WS फाइल कर दीजिए, और उसके बाद फिर अगर उसे डिग्री मिल जाती है, वैसे तो मिलेगी नहीं, अगर आपके पास ग्राउंड अच्छा है तो उसे मिलेगी नहीं डिग्री, अगर आपके पास कोई ग्राउंड ऐसा नहीं है तो डिग्री मिल भी सकती है। और दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि पति ले नहीं जाना चाहता लेकिन वो अपना ग्राउंड बना रहा है, तो ऐसे में आप चली जाइए, आप कोर्ट के सामने कहिए कि मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी कुछ शर्तों के अनुसार, शर्त भी ऐसी होनी चाहिए कि आपको सही ढंग से वो रखे, उस फाइल को आप मीडिएशन में ट्रांसफर करवा दीजिए, जो विदाई दावा है उस फाइल को आप मीडिएशन में ट्रांसफर करवा दीजिए, और इसमें वहां पर आप कुछ अपने कंडीशंस को बता दीजिए कि उन समझौतों के बिहाफ पर आप अपने पति के साथ जाने को तैयार हैं। अगर दोनों के बीच में उन बातों में कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है तो आप चली जाइए, अगर नहीं होता है तो फिर आपके पास एक ग्राउंड निकल गया कि पति इस तरह की हरकतें करता है, या फिर आपको मारता पीटता है, आपको प्रताड़ित कर रहा है। लेकिन जब हमने ये बात कही मीडिएशन में, हमारे बीच में जब ये बातें हुई, कॉम्प्रोमाइज करने की बात हुई, तो उसने इन बातों पर समझौता नहीं किया, इसलिए नहीं जाना है, तो यहाँ पर भी एक आपके पास ग्राउंड निकल आता है कि आप क्यों नहीं जाना चाहती। तो देखिए आप केवल ये सोच करके मत बैठ जाइए कि पति ने ऐसा किया है लेकिन वो करना नहीं चाहता, फिर भी उसने विदाई दावा कर दिया, ले भी नहीं जाना चाहता, तो ठीक है आपके पास हर जगह से आपके पास एक ना एक कुछ ना कुछ आपको ग्राउंड मिल जाता है, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, अगर आप उसको सही तरीके से देख रहे हैं केस को या देख रही हैं, तो आपको कहीं ना कुछ ग्राउंड मिल जाता है। हाँ, अपियर होने की अगर बात है तो आप जब तक आप अपने किसी एडवोकेट को हायर करिए, और वो आपको बताएंगे एक सही समय बताएंगे कि कब आपको इस केस में अपियर होना है। लेकिन अगर कोई भी वकील आपसे ये कहता है कि आपको होना ही नहीं है, तो फिर ये गलत है, उसमें फिर एक्स पार्टी डिक्री हो जाएगी, चाहे कोई भी केस होगा वो, चाहे आपका घरेलू हिंसा का केस हो, जैसे कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनके ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा चल रहा है और वो अभी तक अपियर नहीं हुए, उनके वकील साहब हमेशा कहते हैं कि नहीं मत अपियर हो, इसमें अपियर होने की जरूरत ही नहीं, तो कहीं ना कहीं आगे चल के एक्स पार्टी डिक्री होनी ही होनी है। तो ऐसे समय में आपको पहले ही प्रेजेंट हो जाना चाहिए, या फिर अगर एक्स पार्टी हो गई है तो आप रिकॉल एप्लीकेशन अपने वकील के माध्यम से डलवा करके आप अपियर हो जाइए, लेकिन होना जरूर है आपको। अगर आप पूरी तरीके से उस केस को छोड़ देते हैं, छोड़ देती हैं, तो वहां पर आपके साथ दिक्कत हो सकती है। इसी तरीके से विदाई दावा का अगर केस हुआ है, आप पत्नी हैं, पति ने किया हुआ है, तो आप उस समय तक मत जाइए जब तक आपके वकील साहब आपको बताते हैं कि ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं है, जब होना होगा अपियर तो हम अपियर होकर के हम वहां से कॉपी रिसीव करके हम WS फाइल कर देंगे। जब आपके वकील साहब को ये लगेगा और तो आप उस दिन अपियर होइए, उस डेट पर आप अपियर होइए और अपना WS फाइल जरूर करिए। उन चीजों को आप बिल्कुल भी मिस मत किया करिए। कोर्ट की कुछ प्रोसीडिंग होती है, उनका जानना आपको बहुत जरूरी होता है, जिसके बारे में हम हमेशा आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं, और हम आपको जो भी जानकारी देते हैं वो अगर आप ध्यान से सुने, और अगर आप कोर्ट में केसेस फाइट कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा ये सारी चीजें आपके सामने कभी ना कभी आ चुकी हैं या आने वाली हैं। अगर आने वाली हैं तो भी आप समझ जाएंगे कि हाँ आपने इन चीजों के बारे में आपने पहले से सुना हुआ था। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि एक्चुअल में होती ही नहीं है, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो वो चीजें हो ही नहीं रही, केवल थ्योरेटिकली अगर हम बात करते हैं तो ही हो रही हैं। तो
तो उन चीजों से आपको बचना है और जो सही चीजें हैं वो आपको करनी है। तो आज के वीडियो में हमने आपको क्लियर बताया है, अगर आप समझना चाहें तो आप इसको बहुत ही साफ तरीके से समझ सकते हैं या समझ सकती हैं कि किसी भी केस को करने के पीछे और न करने के पीछे क्या वजह होती है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करिए। इससे हमें भी आसानी होती है कि हमें भी वीडियो के लिए टॉपिक नहीं सोचना पड़ता, बैठते हैं आपके कमेंट देखते हैं, फिर हमें लगता है कि हाँ आपको इन चीज़ों के बारे में हमें बताना चाहिए और हम आपको बता देते हैं। तो आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप जरूर बताइए, उस पर हम आपको वीडियो बना करके देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।